कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। उस बैठक में चर्चा की गई कि कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या नहीं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से पार्टी नेताओं ने एक सुर में केजरीवाल से किसी भी प्रकार के गठबंधन या समर्थन से इनकार कर दिया। इन नेताओं ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप पार्टी का साथ देने से मना किया है। हालांकि नेताओं ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी 150 सीटें जीतेगी। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे। साथ ही स्टेट यूनिट से जुड़े कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है, इसी के मद्देनजर दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.